Hello student, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss about flood discharge. I hope you all are doing well. So let's start today's lecture. In the previous lecture we have discussed many things, like we have discussed how to compute the runoff by different methods, by infiltration method, by Reisner method, by empirical formulas. But in today's lecture we are going to discuss what is flood discharge and how do we measure maximum flood discharge using different formulas. So we are going to discuss these things. So first of all, let's understand what is flood discharge. Let me change the color of the pen. So flood means, aap log sabhi samajhte hai ki flood means hota hai baad, and discharge means ki baad ke samay mein जो आपका नदी या फिर स्ट्रीम वगैरह से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज। तो फ्लड डिस्चार्ज का पूरा मीनिंग क्या हो गया कि बाढ़ के समय जो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज होता है फ्रॉम रिवर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लड डिस्चार्ज। तो फ्लड क्या हो गया, तो फ्लड फ्लड हम लोग कब बोलेंगे, ओह माय गॉड सॉरी, फ्लड हम लोग कब बोलेंगे, जैसे कि बाढ़ के समय क्या होता है, पूरा आपका रोड हो गया, फिर बिल्डिंग्स हो गया, लैंड हो गया, सब सबमर्ज हो जाता है वाटर में, सब में क्या होता है, वाटर में सबमर्ज हो जाता है। तो उस समय जो आपका रिवर्स वगैरह में जो डिस्चार्ज होता है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर पास करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लड डिस्चार्ज। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, मीन्स मीटर क्यूब पर सेकंड, या फिर कहीं कहीं क्यूबिक फीट पर सेकंड भी आपका यूनिट यूज होता है फॉर मेजरिंग द फ्लड डिस्चार्ज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लड डिस्चार्ज को अगर हम लोग मेजर करेंगे तो उससे हम लोग को क्या बेनिफिट है, क्यों हम लोग इसको इतना प्रायोरिटी देते हैं, क्यों इसका मेजरमेंट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज है कि अगर हम लोग फ्लड डिस्चार्ज को मेजर करते हैं तो उससे हम लोग क्या पता चलेगा कि आपका जो फ्लड है उस वो कितना बैड है, ठीक है, मींस कितना वो उग्र था, ठीक है, कितना उसका सिवियरिटी था, उसके बारे में हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो पहला तो ये पता चलता है फ्लड डिस्चार्ज के मेजरमेंट से कि कितना बैड था आपका फ्लड, ठीक है, पिछले फ्लड से या उसके पिछले साल के फ्लड से, तो हम लोग सीवियरिटी के बारे में पता कर पाते हैं कि कितना तीव्र था, ठीक है। सेकंड, जब अगर हम लोग फ्लड डिस्चार्ज मेजर करते हैं तो उससे हम लोग को और क्या फायदा होता है कि वी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर फ्लड, ठीक है, जैसे कि एक साल, मतलब कि अगर हम लोग फ्लड का मेजर करते हैं तो उससे हम लोग को पता चलता है कि फ्यूचर भी ऐसा नौबत आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं और स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग डिजाइन करते हैं ताकि हम लोग फ्लड डैमेज को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बना सकते हैं, जैसे डैम हो गया, लेवी हो गया, तो ये सब हम लोग बनाते हैं। जैसे ये है आपका रिवर, ठीक है, ये रिवर है, अब इसमें क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग मानसून सीजन्स, तो मानसून के टाइम में क्या होता है, इसका जो कैचमेंट एरिया है, आसपास वाला एरिया, तो यहाँ पे जो आपका पानी पड़ता है, ये जो रेनिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो वाटर कहाँ, ये रिवर में ही जाके मिलता है, तो इस रिवर में जाके मिलेगा तो क्या होगा, इस रिवर का लेवल काफ़ी राइज हो जाएगा, जिसके कारण इसमें बाढ़ जैसा समस्या आता है। तो उससे क्या होता है, आसपास का जो सराउंडिंग आपका जितना एरिया है उसको ये क्या करता है, सबमर्ज कर देता है, क्योंकि एबनॉर्मल टाइप का वाटर जब बहने लगेगा, नेचुरल जितना फ्लो था उससे बहुत ज़्यादा, तो उसके इसमें बाढ़ का समस्या आता है। तो इससे क्या होता है, ह्यूज लॉस होता है हम लोगों को, प्रॉपर्टीज़ का भी लॉस होता है, बाकी बहुत इन्वायरमेंट को लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, पीपल सब जो है वो उसका जो है जान रिस्क में चल जाता है, तो ये सब बड़ा बड़ा लॉस होता है। तो इससे निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं, जैसे ये आपका रिवर है, ठीक है, तो अगर इसमें बाढ़ आने का आशंका है तो उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग बड़ा सा डैम बना देते हैं। डैम से क्या हो सकता है कि डैम जो है, अगर ये आपका सिंगल पर्पस डैम है, जैसे कि खाली फ्लड को रोकने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये कुछ समय के लिए जब बाढ़ आने का समय रहता है तो उस समय क्या करेगा, फ्लड को रोक लेगा और पीछे जो आपका पूरा वाटर क्या होगा, जमा होता जाएगा, पूरा पानी क्या होगा,
जमा होता जाएगा, जिसके कारण एक रिजर्वोयर का निर्माण होगा, ठीक है। और ये वाटर जो है ये हम लोग कुछ समय के लिए रोक लेते हैं और इसको धीरे धीरे डाउन स्ट्रीम में छोड़ते हैं, जिसके कारण बाढ़ जो है आपका नहीं आता है, ठीक है। जब एबनॉर्मल तरीके से रिवर बहने लगता है, काफ़ी ज़्यादा आपका रिवर का लेवल राइज हो जाता है, तो उस केस में बाढ़ का समस्या आता है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, फ्लड कंट्रोल डैम हम लोग बना सकते हैं, जिससे क्या होता है वो कुछ समय के लिए आपका बाढ़ का पानी को रोकेगा और धीरे धीरे उसको पास करेगा। तो उससे क्या होता है, जितना लॉसेस होता था बाढ़ के कारण उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर पूरा कंप्लीटली वैनिश भी कर सकते हैं। डैम बनाने से दिक्कत ये आता है कि आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे पानी पूरा भर जाता है ना, जिसके कारण काफ़ी एरिया का भी हम लोग को लॉस होता है। क्लियर है? अब इस हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग दो दो चीज़ समझे कि फ्लड डिस्चार्ज को मेजर करने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो पहला पता चलता है कि जो फ्लड है वो कितना बैड था, कितना सीवियर था, उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद फ्यूचर के लिए हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए जो है हम लोग स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर बाढ़ आता है, ठीक है, इन फ्यूचर अगर फ्लड आता है तो उस केस में हम लोग स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज। तो जो इमरजेंसी वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं जो सिटीजन वगैरह, तो वो सबको हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फ्लड का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि अगर ये कोई भी एरिया में आ रहा है तो उसको उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म कर सके वो सब आदमी सब, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर जो होते हैं वो सब। फोर्थ पॉइंट का अगर बात करें तो हम लोग मैप बना सकते हैं फ्लड एरियाज का, इससे हम लोग को आइडिया लगेगा कि किस पार्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड आता है, ठीक है। तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एरिया में फ्लड ऑफन आता है, मतलब आते रहता है, ठीक है। फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आइडिया रहता है कि इस एरिया में फ्लड आ सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रिज हो गया या फिर बिल्डिंग्स हो गया या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, उसको हम लोग इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वो फ्लड को विथस्टैंड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग फ्लड डिस्चार्ज को मेजर कर लिए तो इन्वायरमेंट को क्या खतरा होता है, जैसे अगर हम लोग रिवर का बात करें तो रिवर में रिवर जो है आपका ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, अगर बाढ़ का समस्या आता है तो एपिडेमिक होने का चांसेस हो जाता है, या फिर एक्वेटिक एनिमल जो होता है उसके लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि आपका वाटर जो है पोल्यूटेड हो जाता है जब बाढ़ आता है। तो उस केस में फिर वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत सारा खतरा है, जैसे कि जो पशु पंछी सब होते हैं उनको अपना हैबिटेट छोड़ना पड़ता है, खाने का परेशानी हो सकता है, बाढ़ में बहुत सारे एनिमल्स जो है वाइल्ड लाइफ जो है वो अपना घर खो देते हैं, जैसे कि स्पेशली जो ब्यूरो वगैरह में रहते हैं, ज़मीन के नीचे है, गड्ढा कोड़ के, या फिर कोई भी जानवर है, सबको अफेक्ट करता है ये आपका फ्लड, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग को ये भी पता चलता है कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, जैसे कि कहीं अगर फ्लड आया है तो उसके कारण क्या क्या प्रॉपर्टी में लॉसेस हुआ, कितना मेडिसिन्स वगैरह देना पड़ गया, जिसके कारण कितना मतलब डिजीज भी स्प्रेड हो जाता है, जो लोग अफेक्टेड होते हैं उसको हर चीज़ पहुंचाना पड़ता है। फिर फ्लड जहाँ पे आया है वहाँ पे तो बिल्डिंग्स हो गए, कोई भी प्रॉपर्टी हो गया, उसके ऊपर वाटर जो है क्या राइज कर जाता है, उसके कारण बहुत सारा लॉसेस भी होता है। फिर एग्रीकल्चरल लॉसेस होता है, अगर खेती वगैरह हुआ है तो उस केस में वो सब मर्ज हो जाएगा, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब इकोनॉमिक लॉसेस जो होता है उसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, कीप पीपल सेफ। तो हम लोग बाढ़ आने से, बाढ़ का रिस्क से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, पीपल सबको वार्न कर सकते हैं और उन लोग को प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब फायदा है, ये सब जो है जो बेसिक फायदा होता है, ये सब फायदा है जिससे हम इसी के कारण हम लोग फ्लड डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट बताएं तो मेजरिंग फ्लड डिस्चार्ज इज इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग पीपल एंड प्रॉपर्टी सेफ, ताकि हम लोग पीपल और प्रॉपर्टी सबको सेफ रख सकें, तो इसी के लिए हम लोग फ्लड डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग फ्लड डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका रेशनल मेथड,
रैशनल मेथड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीक फ्लो, पीक यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्लो जो होता है आपका फ्लड डिस्चार्ज का, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका रैशनल मेथड है, रैशनल काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, लेकिन ये हर साइट में जो है आपका इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो रैशनल मेथड जैसे हम लोग रन ऑफ निकालते थे वही फॉर्मूला है, के आई ए अपॉन 36। यहाँ पे क्यू हो गया आपका पीक फ्लो, जो कि क्यूमेक में रहेगा, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड में रहेगा। आई हो गया रेनफॉल इंटेंसिटी, ये आपका सेंटीमीटर पर आवर में रहेगा। ए हो गया कैचमेंट एरिया इन हेक्टेयर, हेक्टेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, 10^4 m². बैटरी काफी कम रिमेनिंग है। क्या हो गया आपका रन ऑफ कॉफिशियंट। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यू जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के भी, आई के भी और ए के भी। मीन्स आपका पीक फ्लो जो है, पीक फ्लो है वो अगर इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब कब इंक्रीज करेगा, अगर आपका के का वैल्यू ज्यादा रहे, या फिर आई का वैल्यू ज्यादा रहे, या फिर ए का वैल्यू ज्यादा रहे। किसी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो आपका क्यू भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर के यानी रन ऑफ कॉफिशियंट का वैल्यू ज़्यादा है तो क्यू का वैल्यू भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं के का वैल्यू किसके किसके लिए, कितना रेंज हम लोग लेते हैं। तो सैंडी सोयल है, तो ऑयल लिखा गया, सॉरी, सैंडी सॉयल है। तो सैंडी सॉयल में इनफिल्ट्रेशन लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन लॉस ज़्यादा हो तो आपका रन ऑफ क्या होगा, कम होगा। रन ऑफ कम होगा तो के का वैल्यू भी कम हो जाएगा, यानी फ्लड डिस्चार्ज काफ़ी कम होगा, ठीक है। वही क्लेई सॉयल का बात करें तो क्लेई सॉयल में आपका देखिए 0.90 है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा है, 0.10 to 0.20 रहता है। डिस्चार्ज यदि काम चल जाएगा, क्ले सोयल में 0.90 रहता है। फिर लोमी सोयल का बात करें के का वैल्यू, तो 0.40, ये इंटरमीडिएट में। क्ले सोयल नियरली इम्परमिएबल होता है, पानी से इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, बहुत समय भी लगता है, तो इसके कारण रन ऑफ कोफिशियंट का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, रन ऑफ का भी वैल्यू ज़्यादा रहेगा। वही ग्रेवल पेबिंग का बात करें तो के का वैल्यू 0.15 से 0.30 के बीच रहता है। एसफाल्ट पेविंग का बात करें तो उसका के का वैल्यू क्या है, 0.50 है। कंक्रीट पेविंग का बात करें तो 0.80 है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, कंक्रीट पेविंग में जैसे आपका के का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब रन ऑफ का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। यानी कंक्रीट का अगर पेविंग किया हुआ है तो उस केस में वाटर जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो इनफिल्ट्रेशन लॉस जो है काफ़ी कम है, इसीलिए के का वैल्यू ज़्यादा है, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका रैशनल मेथड। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पूरा न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जितने टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिफरेंट टाइप का फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में भी दिया हुआ है कि इसमें जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस कर लेना है, मतलब पढ़ के जाना है, तो मे भी आ सकता है। 2022 और 23 का क्वेश्चन हम देखे हैं, उसमें तो नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आगे आ जाए। तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का बात करें तो ये फॉर्मूला आपका एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है और सब जगह एप्लीकेबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फॉर्मूलाज आता है। तो पहला जो आपका, जिसमें खाली ड्रेनेज एरिया पे बेस्ड आपका फॉर्मूला है, ड्रेनेज एरिया यानी कैचमेंट एरिया, दोनों सेम चीज़ है, कैचमेंट एरिया पे बेस्ड फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो उसमें आता है आपका डिकेंस का फॉर्मूला, राइविस फॉर्मूला, ऐसे तो चार पांच आता है। तो डिकेंस फॉर्मूला पहले डिस्कस करते हैं। डिकेंस फॉर्मूला में अगर हम लोग को डिस्चार्ज निकालना है, तो क्यू आपका डिस्चार्ज है इन क्यूमेक, तो क्यू इक्वल टू सी इंटू ए का पावर 3/4, ये आपका डिकेंस फॉर्मूला है, जिसके थ्रू हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए क्या हो गया आपका, कैचमेंट एरिया हो गया इन स्क्वायर किलोमीटर। वही सी जो है, सी एक्चुअली में
फ्लड डिस्चार्ज को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करता है उस पर बेस्ड होता है, उसी पर डिपेंड करता है सी का वैल्यू। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज वैल्यू का बात करें सी का, तो वो हम लोग लेते हैं 11.5। अगर इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आता है तो आपको सी का वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है। तो अगर नहीं दिया हुआ तो ऑन एन एवरेज वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 11.5 रख सकते हैं, जनरली दिया हुआ ही रहता है। अगर राइवीज फॉर्मूला का बात करें तो बस थोड़ा सा अंतर है। अगर डिकेंस फॉर्मूला में सी इंटू ए का पावर 3/4 था, यहाँ पे 2/3 होगा। बाकी सेम है, क्यू हो गया आपका क्यूमेक में, डिस्चार्ज इन क्यूमेक। ए कैचमेंट एरिया हो गया स्क्वायर किलोमीटर में, सी जो है कांस्टेंट है, सी का एवरेज वैल्यू जनरली हम लोग 6.8 कंसीडर करते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो 6.8 हम लोग कंसीडर करेंगे, अगर दिया हुआ है तो वो हम लोग अप्लाई करेंगे। वैसे ही आपका इंग्लिश फॉर्मूला भी है। इंग्लिश फॉर्मूला दिया हुआ है क्यू इक्वल टू 1 2 3 a अपॉन अंडर रूट a प्लस 10.4, जहाँ पे क्यू आपका डिस्चार्ज हो गया क्यूमेक में, a हो गया आपका कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे कि ड्रेनेज एरिया, एक ड्रेनेज एरिया पे बेस्ड ही आपका सारा का सारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या दिए थे, तो क्यू इक्वल टू सी ए डैश ब्रैकेट में 0.92 -1/14 लॉग ए। तो यहाँ पे सी जो है आपका कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू जो है आपका 48 से 60 के बीच लाई करता है। वही क्यू का वैल्यू डिस्चार्ज, क्यू जो है आपका डिस्चार्ज है जो कि क्यूमेक में रहेगा आपका, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ए जो आपका एरिया हो गया कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे एक और नया टर्म है ए डैश, तो ए डैश जो है वो किसके बराबर होता है, 0.39 a। अगर आपको कैचमेंट एरिया दिया हुआ है ए का वैल्यू, तो उस केस में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 0.39 से, तो ए डैश का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका जारविस फॉर्मूला। इसमें दिया हुआ क्यू इक्वल टू सी अंडर रूट ए। फिर जारविस आप आयरन मैन वाला नहीं समझ लीजिएगा, ये दूसरा थे एक और। तो वो आपको फॉर्मूला दिए थे क्यू इज इक्वल टू सी अंडर रूट ए, जारविस फॉर्मूला, ये तो याद रहेगा सबको। यहाँ पे क्यू क्या हो गया आपका डिस्चार्ज इन क्यूमेक हो गया, ए हो गया कैचमेंट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, सी हो गया कांस्टेंट जिसका मैक्सिमम वैल्यू है 177 है, ठीक है। वही लास्ट 6 नंबर में जो आपका फॉर्मूला है इंपीरिकल फॉर्मूला ड्रेनेज एरिया पे बेस्ड, तो वहां पे मॉडिफाइड मेयर फॉर्मूला है। ये ज़्यादा कुछ नहीं कि जो आपका जारविस फॉर्मूला था उसी पे बेस्ड है। तो क्यू इज इक्वल टू 177 इंटू पी इंटू अंडर रूट ए है। यहाँ पे पी एक नया टर्म है, बाकी तो सेम ही फॉर्मूला लगभग था। जारविस फॉर्मूला क्या था, सी अंडर रूट ए, जिसमें सी का वैल्यू 177 लिए थे, तो इसको सी ही मान लीजिए। तो सी का वैल्यू 177 है, एक नया टर्म पी ही है, इंटू अंडर रूट ए तो था ही उसमें। पी क्या होता है, यहाँ पे पी एक फैक्टर है जिसका वैल्यू लाई करता है 0.002 से 1 के बीच में। जनरली पी का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। अगर पी का वैल्यू कुछ दिया ऐसे, जनरली जो पी का वैल्यू दिया रहेगा वही आप फॉर्मूला में पुट करेंगे। अगर पी का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आपका मॉडिफाइड मेयर फॉर्मूला जारविस फॉर्मूला ही बन जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब जो फॉर्मूला है वो आपका ड्रेनेज एरिया और सेप पे बेस्ड है, मीन्स ड्रेनेज एरिया यानी कैचमेंट एरिया पे बेस्ड है, और कैचमेंट एरिया का कैसा सेप है उस पर भी बेस्ड है। तो एक है आपका ड्रेज और बर्ज फॉर्मूला। तो ड्रेज और बर्ज फॉर्मूला क्या बताते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि क्यू इज इक्वल टू 19.6 इंटू ए अपॉन एल का पावर 2/3 है, जहाँ पे क्यू हो गया आपका डिस्चार्ज इन क्यूमेक। इसमें एक नया टर्म हम लोग देख रहे हैं एल। एल क्या होता है आपका लेंथ ऑफ बेसिन है, लेंथ ऑफ बेसिन यानी लेंथ ऑफ कैचमेंट एरिया, क्लियर। ए जो आपका कैचमेंट एरिया हो गया स्क्वायर किलोमीटर में। तो अगर जैसे मान लीजिए ये आपका रिवर है फ्लो कर रहा है, तो कुछ कैचमेंट एरिया इस साइड होगा, ठीक है, जहाँ से आपका वाटर फ्लो करके इस रिवर को ऐड करता है। यहाँ से वाटर फ्लो करके क्या होगा, इस रिवर में जाएगा। तो इस जो आपका कैचमेंट एरिया है उसका लेंथ, इसका लेंथ यही हो गया आपका एल, ठीक है। यही लेंथ क्या हो गया एल, ठीक है। ये जनरली किलोमीटर में रहता है, कैचमेंट एरिया आपका स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा। अगर
अगर हम लोग विड्थ का बात करें, मतलब चूंकि आपका कैचमेंट एरिया कहीं कहीं पूरा विड्थ ज़्यादा होगा, कहीं कहीं एकदम कम होगा, तो अगर इसका एवरेज विड्थ का बात करें हम, ठीक है, एवरेज विड्थ का बात करें, तो उस केस में हम लोग एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो एवरेज विड्थ को अगर बी मान ले तो बी इंटू एल हो जाएगा, ये आपका एरिया हो गया। अगर बी जो है आपका एवरेज विड्थ है बेसिन का, तो उसको अगर हम लोग एल से, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस केस में एरिया निकल जाएगा आपका, एरिया ऑफ, एरिया कौन सा, कैचमेंट एरिया। तो यहाँ से हम लोग इसी फॉर्मूला में ए के जगह बी इंटू एल डाल देंगे, तो उसके बाद जो पूरा फॉर्मूला आएगा तो क्यू इक्वल टू 19.6 इंटू बी इंटू एल का पावर 1/3 आएगा। ये एल का पावर 1 है, ये 2/3 माइनस होगा तो 1/3 बचेगा। तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है जिसमें रेनफॉल जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है ड्रेनेज एरिया के साथ। इसमें क्या दिया गया है, क्यू इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में पी इंटू बी का होल पावर 5/4 है, जहाँ पे क्यू आपका डिस्चार्ज इन क्यूमेक है, पी जो है, पी नया टर्म है, प्रोबेबल 100 ईयर मैक्सिमम 1 डे रेनफॉल इन सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि 100 ईयर्स को एनालाइज किए, हर एक साल को एनालाइज किए, तो एक दिन में जो मैक्सिमम बारिश हुआ है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे पी, ठीक है। मीन्स हो सकता है अगर अब एक साल का बात करें तो कोई एक ऐसा दिन होगा जहां जब मैक्सिमम बारिश हुआ होगा, मान लीजिए एक साल कोई है जैसे 2024 ही है, तो 2024 में मैक्सिमम एक दिन का बारिश हम लोग मान सकते हैं 20 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। हो सकता है 2023 में वो 25 सेंटीमीटर हुआ हो सकता है 2022 में 30 सेंटीमीटर हुआ हो, तो ऐसे ऐसे 100 साल का देखा जाता है। तो जो मैक्सिमम आपका बारिश होता है 1 डे बारिश, उसी को पी कंसिडर किया जाता है। बी हो गया आपका एवरेज विड्थ, जैसा यहाँ पे हम लोग ड्रेज एंड बर्ज फॉर्मूला में निकाले थे वैसे ही एवरेज विड्थ बी है, ठीक है। ये किलोमीटर में आपका रहेगा, सी जो है कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग जनरली 1.5 लेते हैं, उसके अगर ये सब दिया है तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना डिस्चार्ज है। तो इतना फॉर्मूलास था आपका इम्पीरिकल और रैशनल में, यही दोनों हम लोग को डिस्कस करना है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एज वेल।